ओके तो अब हम जा रहे हैं बैंगलोर एयरपोर्ट, जिसको हमें बैंगलोर एयरपोर्ट तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स आउटसाइड येलहंका एयरपोर्ट। येलहंका एयरपोर्ट और इतना ट्रैफिक, रुको दिखाती हूँ। लुक एट द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आगे, मतलब दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा कि कहाँ पे ट्रैफिक खत्म होगा और हमें अब इसके थ्रू जाना पड़ेगा। अरे देख तो 2 घंटे फ्लाइट में लेके तेरे को सोने को नहीं मिलेगा, अभी तेरे को बोर्ड करना है, फिर 45 मिनट्स की फ्लाइट है, फिर तेरे को उठना पड़ेगा। मैं तेरे को गाड़ी में ले चलता, 2 घंटे सो, वापस घर चलते हैं, बस सोने को मिलेगा। फ्लाइट टिकट्स, पुणे का प्लान, मेरी ट्रैकिंग सब, नींद जरूरी है। मैं फ्लाइट में सो जाऊंगी जाके। भाई तो कह रहा हूँ फ्लाइट में नहीं सोने, अभी तू 8:30 तक नहीं सो सकती, करेक्ट? 8:30 तो तेको सिर्फ 9:15 सोने का होगा, क्योंकि तेरी 45 मिनट्स की फ्लाइट है। 9:45 तक है मेरी फ्लाइट। 8:30 से 9:15 हुआ था 45 मिनट्स की नहीं है, 8:30 से 9:45 की है। अच्छा, तो 1 घंटा सोने का मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। वेट, इसको मैंने बोला था मेरे साथ चल, तो इसने बोला कि नहीं मुझे काम है, अभी तो गोवा से वापस आया, मेरे को नहीं जाना, ये वो। तो ये किसकी गलती है? तेरी। तो अभी क्यों जा रही है? क्योंकि जानवी के भाई की शादी है 10 दिन, तो वो काम पे नहीं आ रही, तो मैं उसके बिना। और तेरी बहन भी आई हुई है, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हर, सो आई एम गिविंग यू टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली। ऐसा कुछ नहीं होता, यू कैन स्टे हियर एंड देन वी कैन स्पेंड टाइम टुगेदर, ऐसा कुछ नहीं। या बट लाइक, अरे यार ठीक है ना। गाइस डिपार्चर में इतनी बड़ी लाइन है बैंगलोर एयरपोर्ट पे, मतलब 2 घंटे है मेरी फ्लाइट शुरू होने में, बट आई एम स्कैर्ड कि मैं लेट ही ना हो जाऊँ इसकी वजह से। फर्स्ट ऑफ दिस अ ह्यूज लाइन चेक इन काउंटर्स पर, तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, मैं इसके ऊपर ही बैठ गई हूँ। बचपन में मैं बहुत बैठती थी इस पर, और मम्मा पापा ही लेके जाते थे जब मैं इस पर बैठी होती थी, जब वो चला रहे होते थे। और अब यहाँ पर बैगेज रखने के लिए भी बहुत लंबी लाइन है। एंड बाय द वे आई जस्ट रियलाइज, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ फ्लाइट में, मतलब मैं 23 के हो गए, मैंने आज तक कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा। और मैंने ना रिसेंटली गोपाली का वीडियो देखा था जिसमें वो सोलो ट्रिप कर रही है, मैं ये सोचती कि यार इतना कॉन्फिडेंस, आई फील लाइक कि अब मुझे भी करना पड़ा, काफ़ी डर लग रहा है, एंड मुझे हर बंदा की बहुत याद भी आ रही है। ठीक है, इट बी अ नाइस एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट 4 डेज पुणे में मम्मा मुस्कान के साथ होंगी, उसके बाद ट्रैकिंग अकेले कर रही हूँ विद अ कम्प्लीटली न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, होपफुली अच्छा। बहुत डर लग रहा है मुझे। ओके तो सिक्योरिटी इज़ डन, बियर्डली इवन दो मैं कुछ गलत लेके नहीं आती, फिर भी मुझे सर डर लगा रहता है कि यार कुछ मिल ना जाए उनको, या मुझे किसी वजह से रोक ना ले। और इतनी फनी सी चीज़ है, मेरा ये बैग मैंने खोला और सडनली एक कॉकरोच केम आउट ऑफ इट, आई फ्रीक्ड आउट, क्योंकि बैग के अंदर से कॉकरोच निकलना इज़ नॉट कॉमन, सो आई जस्ट थ्रू आउट ऑफ माई बैग, एंड जो साइड वाला बंदा खड़ा था उसके ऊपर जाके चिपक गया, एंड देन ही स्टार्टेड सेडिंग, पर गिर गई है। Anyway, चलो ऑल दैट इज डन, अभी मेरे पास 1.5 आवर बचा है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी शॉप्स दिखाती हूँ, और अगर मुझे लाउंज एक्सेस मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री तो वो भी दिखाती हूँ। चलो हाई डिजाइन इज माई मम्मा का फेवरेट बैग्स की दुकान, बट इट्स लेदर एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव, सो यहाँ तो नहीं घुसते। बाकी माई गेट इज नंबर 7, तो चलो ओके तो लाउंज के लिए ऊपर चलना है, चल के देखते हैं कि एक्सेस मिलता है कि नहीं। मेरे पास कुछ कुछ तो कार्ड हैं जिसमें होपफुली एक्सेस मिल जाना चाहिए। लेट्स गो। ओके सो आई गॉट इन एक्सिस बैंक के किसी तो कार्ड से, और फ्री में वो भी, देखते हैं क्या क्या है। ओके सबसे पहले यहाँ चलता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो आप, एंड इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ऐसा सीटिंग एरिया, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है फ्लाइट से पहले,
पर मेरे पास नहीं है, आई हैव लाइक 20 मिनट्स, आई विल जस्ट शो यू द लाउंज। और यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो आई गेस, यहाँ पे ये टेनिस चल रहा है एंड दिस ह्यूज प्लेस टू सिट व्हिच इज सो कूल। यहाँ पे एरियाज है जहाँ पे आप बैठ के आराम से काम कर सकते हो, फिर मोर सीटिंग एरियाज। एंड पीएस दे हैव फ्री बफे, मतलब यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो। खैर फ्री तो नहीं है, अगर आपका जो आपके पास कार्ड है वो आपको एक्सेस दे तो ही। काफ़ी सारे डेजर्ट्स, लॉट्स ऑफ फूड इज हियर, नूडल्स। दे हैव लाइव किचन ऑल्सो, देखते हैं क्या क्या। आई गेस दे हैव पिज्जास। डैम, ओके। पहली बार मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों हरविंदर के साथ खाना खा लिया बाहर, यहाँ पे आके इतना मस्त। आई कुड हैव ईटन एंड चिल्ड। और मतलब एक साल में ना 6 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस होते हैं और मैंने आई गेस एक यूज़ कर लिया, सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास, बट मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते तो चलेगा। फन लाइफ अपडेट, माई फ्लाइट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। इट वॉज सपोज टू लीव एट 8:30 और अब लिखा है कि ड्यू टू वेदर कंडीशन इट विल लीव एट 10:45। डू यू गाइस रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक के काश मैंने हरविंदर के साथ ना खाया होता शाम को, तो मैं यहाँ पे खा पाती। मुझे लग रहा है मेरे को मेरी खुद की नज़र लग गई है और अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ 2.5 घंटे के लिए विद नथिंग टू डू। फाइनली 8:30 बजे की फ़्लाइट, 11:30 बजे निकल रहे हैं हम, मतलब अभी तो बस में चढ़ेंगे, 1 बजे पहुँचूंगी, 2 बजे घर पहुँचूंगी। मम्मा मुस्कान जागे हुए मेरे लिए, आई फील सब कह रहे हैं फाइनल बोर्डिंग कॉल। और पता है बोर्डिंग कितने बजे शुरू हुई? 2 मिनट पहले, कुछ भी, लिटरली कुछ भी। एनीवेज गोइंग टू पुणे। फ्लाइट मोड के उपकरण और उड़ान के दौरान बंद रखें। इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरण अथवा